हेलो फ्रेंड, मैं मंजूर सिद्दीकी सीजी मास्टर ग्रुप की तरफ से। और फ्रेंड, आज स्टार्ट करेंगे हम अपना पार्ट। एक जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपन टूल्स, उस ओपन टूल्स के लिए किस तरीके से हम यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ओपन टूल्स के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे आज टूल्स की, जो हमारे टूल्स हैं। एक एक टूल्स को मैं आपको जो है बताऊँगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना इसका जो है करेक्टर्स के इस क्रिएट कैसे करके करते हैं इसके अंदर। उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने एनिमेशन के लिए। हमारे पास जो आ रहा है ऊपर ड्राइंग है, क्लीन अप है, पैलेट है, इंक पेंट है, एंड हमारे पास एनिमेशन है, एसमेट्रिक है, एक्सीट है। इन सब बातों को हल जो है इन सारे ऑप्शंस को हल्के हल्के करके हम सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है हमारे पास है, हमारा टूल है, इसका नाम है एनिमेशन। ठीक है, एनिमेट टूल, इसकी बात करेंगे आज। ये एनिमेट टूल है। ओके, और उसके बाद आते हैं यहाँ और एक ज्योमेट्री टूल जो हमारे पास लेते हैं, ज्योमेट्री जिसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक टूल। यहाँ से बेसिकली अभी इसकी बात नहीं करेंगे, केवल एक हम ऑप्शन लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक कलरफिल कर लेता हूँ इसके अंदर। ओके, यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फिर हमारे पास जो टूल है जूम एनिमेट टूल, ये क्या करता है, हमें कौन से यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, किस पे वर्क करना है आपको। एग्जांपल के लिए मैं ये कैमरे पे वर्क करना है, तो मेरे पास जो कैमरा है अब केवल ये कैमरे को मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टेबल आ रहा है। ठीक है, तो ये केवल टेबल को मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑप्शन कॉलम का। ठीक है, ये अब ये कॉलम को मूव करेगा। ठीक है, ये देख रहे हैं पूरा की पूरा जो है हमारा कॉलम जो है इसका आर्टवर्क ये मूव हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ दोबारा से टेबल करता हूँ तो आप देखें। ठीक है, कैमरे को मूव करोगे तो केवल ये कैमरा मूव होगा। हमारे पास टेबल है, टेबल को मूव करोगे तो आप टेबल मूव होगा। ओके, अगर मैं यहाँ बात करूँ मूव का, हमारा जो पार्ट है पोजीशन का वो हमने सीख लिया। अगर मैं यहाँ से आता हूँ, हमारे पास जो टूल्स है ये वाला, इसको लेके कंट्रोल सी एंड मूव कराते हैं अपने जो पार्ट के लिए। अराउंड मैं फ्रेम ले लेता हूँ, मेरे पास जो फ्रेम है 20। ठीक है, कंट्रोल वी ऐसे 20 फ्रेम। ठीक है, और लास्ट वाले पे आएंगे, इसको हम मूव कर लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं एक किस्म में वायर जो है वो क्रिएट हो गया। और हम स्टार्ट करते हैं अपना एनिमेशन, सॉरी अपना उसको, और यहाँ से लेके चलते हैं बैक एंड प्ले करके देखें आप। ठीक है, ये देखें। ठीक है, अगर आप आगे लेके जाओगे तो वर्क नहीं करेगा, केवल यहीं वर्क करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बीच में लाता हूँ और इसको पोजिशन को इसकी चेंज करता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो पोजीशन है वो क्या वर्क करता है एनिमेट टूल के अंदर। अब दूसरी चीज़ एक आप देख रहे हैं जिसको हमारे पास ये दिख रहा है, ये कॉल, ये पोजीशन है हमारे पास, तो मुझे इसको सेट करना है। तो हम यहाँ आएंगे सेंटर पर। ठीक है, और इसको मूव करा के ले जाएंगे यहाँ जहाँ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली इसको आप सेट कर लें। अब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें। अब दूसरी चीज़ मैं क्या चाहता हूँ कि एग्जाम्पल के लिए मेरे पास जो पार्ट है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर एक एडिशन कर लेता हूँ मैं, लेकिन कलर ब्लैक करूँगा यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ से हम अपना लेते हैं फिल कलर, जो शॉर्टकट हमारे पास ये है। ठीक है, इस तरीके से अब हम यहाँ लगाएंगे रोटेशन टूल। जो हमारे पास रोटेट एनिमेट टूल है उसका यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे हमारे पास जो है एनिमेट के अंदर रोटेशन टूल। ठीक है, एंड हमारी फर्स्ट चीज की जो है वो ऐसी रहेगी मैनुअली, और लास्ट की जो है वो ये है। और यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रोटेट कर। ठीक है,
है, ये देखें, यहाँ कोई की नहीं रही है तो यहाँ पर एनिमेट नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखें, यहाँ अब सेम यहाँ पर लेते हैं हम और इसको यहाँ हल्का सा चेंज करते हैं, लास्ट में आते हैं और यहाँ पर इसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो रोटेशन टूल आप लोगों के समझ में आ गया होगा, हमारा इस पोजीशन एंड रोटेशन किस तरीके से वर्क करते हैं। एंड हम चलते हैं हमारे पास है शेयर, ये बेसिकली आप लोगों को पता ही होगा स्केल टूल जो है हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। मैं आता हूँ, यहाँ रोटेशन है मेरे पास, यहाँ पर हल्का सा इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ आएंगे और इसको यहाँ स्केल कर देंगे, ठीक है, ये देखें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ आके ये फिर स्केल हो जाए, ठीक है, ये देखें। तो बेसिक बेसिक चल रहा है, हम बेसिक बेसिक कर रहे हैं, इसके लिए आप परेशान ना हो। अभी जो है हम आगे बात करेंगे एनिमेशन के, किस तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी बेसिक बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से हम इसमें एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लेते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास ये वाला टूल है इसको डिलीट कर दें आप, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अब सेम हमारे लिए इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है शेयर का, ठीक है। तो मैं यहाँ आता हूँ, अपना क्लिक करता हूँ और इसे मुझे कॉलम को, कैमरे को चेंज करके मैं आता हूँ अपने इसके अंदर, टेबल है एंड कॉल, ये ठीक है, कॉल एक ऑब्जेक्ट है। पहले कंट्रोल जेड कर लें, वाई डिफॉल्ट जो की है इसको हल्का सा करें, उसके बाद आगे आएं और फिर यहाँ इसको चेंज करें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास कॉपी जी की मैंने कॉपी की, यहाँ से लें और राइट क्लिक करें एंड करें कॉपी, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद आपको आए लास्ट में यहाँ तक, और यहाँ आके जो कॉपी किया था हमने फ्रेम को, उसे हम क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं शेयर को, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो शेयर हमारे पास आ गया, उसके बाद सेंटर मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर हमारे लिए जो है इसका पाइवट लगाना होता है। ऑल के अंदर आप एक ही टूल से सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि मुझे स्केल करना है, मूव करना है, ठीक है, रोटेट करना है, ठीक है, एंड इसको स्केल करना है, शेयर स्केल रोटेट एंड मूव, ठीक है। तो ये सारे टूल्स से हम एक टूल से सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आज एक ही टूल का यूज किया है हमने, आगे करेंगे हमारा जो टूल है जिसका नाम है सिलेक्शन टूल, ये क्या काम करता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।